आपको स्क्रीन पर अब शाइमा और शहरुना नजर जो आ रही हैं, ये कपड़े सिल रही हैं और साथ में ये अंकल हैं। ये अंकल जी बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। ये एक सरकारी जॉब पाना चाहती थी, मतलब शिक्षित तो हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं साथ में, और चाहते हैं कि इन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो बेहतर होगा, परिवार की दशा और दिशा बदल जाएगी। आपको स्क्रीन पर अब शाइमा और शहरुना नजर जो आ रही हैं, ये कपड़े सिल रही हैं और साथ में ये अंकल हैं। ये अंकल जी बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। ये कटिंग कर रहे हैं कपड़ों की। ये आंटी है, शहरुना की मम्मी है, वो बेचारी बैठी है यहाँ। और देखिए, यह शहरुना बहन है, वो शाइमा है। अंकल सलाम अलैकुम। ठीक ठाक हो? हाँ बड़ी। दोनों मतलब कपड़े सिल लेते हैं? हाँ, सूट सलवार, सूट सलवार, फ्रॉक सूट, अच्छा, बुरशेट वगैरह। देखिए, फेसबुक पेज की अगर हम बात करें तो शहरुना शाइमा का जो फेसबुक पेज है, 1,27,000 फॉलोवर उसके हो चुके हैं। लेकिन बात अर्निंग की करें तो वो जानने की कोशिश करें, क्या आपको कभी कोई अर्निंग पेमेंट वगैरह आई है? नहीं, अभी कुछ नहीं आया। 1,27,000 तो आनी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? अभी नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, अल्लाह जाने। आप वीडियो अपलोड नहीं करते? वीडियो करते हैं ना, पढ़ो अपने। उस टाइम जब हम आए थे तो आप बता रही थी कोई कोर्स वगैरह कर रहे थे आप, पूरा हो गया? नहीं, अभी चल रहा, बाकी है। बाकी है। और आपका? देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो उस टाइम ये मुझे रिंज का काटती हुई मिली थी, मतलब खेत में चारा ला रही थी भैंस के लिए, दोनों ही बहन। ऐसे नज़ारा मैंने इनका देखा था कि चारा इनके सर पे था, जिसे पोट कहते हैं मेवाती भाषा में, और बेचारी ये वहीं हमें मिली थी, क्योंकि रोड के सहारे इनका एक खेत था जहाँ पे ये चारा काटती मिली। लेकिन अब जब इस बार आए तो अभी भी हम बिना बताए, क्योंकि हम किसी दूसरे आदमी का इंटरव्यू करने आए थे, तो चलो एक अपना परिवार यहाँ रहता तो सोचा कि एक बार चल जाए। तो यहाँ पे अब देखा नजारा, तो ये दोनों ही बहन यहाँ पे मशीन लेकर के बैठी है, कपड़े सिल रही है और इनके पिताजी कटिंग कर रहे हैं। तो क्या ये जो कपड़े आप सिलते हैं, अपने घर के लिए सिल रहे हैं या फिर दूसरों के लिए भी सिलते हो? हम हमारे घर के लिए भी सिले और दूसरा इनके लिए भी सिले। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, सपोर्ट करा करो। हमारा फेसबुक पेज का नाम है शहरुना शाइमा और शाइमा शहरुना। हाँ, हमारी भैंस भी, बकरी भी। यहाँ आप रहते हैं, अकेला घर है आपका, इकलौता मेवाती परिवार है। हाँ हाँ। डर नहीं लगता? ना, क्यों लगा डर? चारों तरफ तो बिल्कुल उजाड़ जैसा लगता है, डर ना लगे। कौन से कंटेंट डालती है आप उस पर? हम वो ब्लॉग वीडियो डालते हैं उस पर और रील डालते हैं। कितने दिन में एक वीडियो अपलोड करते हो? जब मन करे, जब डाल ले, जब हमको टाइम मिले। ऐसा थोड़ी चलता, तभी तो अर्निंग नहीं आती आपकी। जब मन करे जब डाल ले, ऐसे नहीं चलता है। आप बेचारे, आप देख रहे हैं इनके घर वर कैसे हैं, और जंगल है यहाँ पे, मेवात को इतनी दूर छोड़ कर यहाँ पर रह रहा। अच्छा, क्या मजबूरी आप जो यहाँ रहते हो? मैं पहले भी सवाल करना भूल गया था, मेवात में क्यों नहीं रहते आप? हमें ये इलाका अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, मतलब बेस्ट है ये हमारे लिए। आंटी अंकल को भी अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, हमको सबकी चॉइस ही। हाँ, सबकी चॉइस ही। और हमको मतलब ये, जैसे हम पढ़ाई के लिए भी जाए तो अलवर नजदीक है हमको, अच्छा, इसलिए हमारे लिए बेस्ट है, बेस्ट है। धंधा भी नहीं था, धंधा भी बढ़िया है। पढ़ाई की बात करें तो आप क्या कर रही है फिलहाल? मेरी नर्सिंग चल रही है। और सही में आपकी? एमएससी फर्स्ट ईयर। तो फिलहाल कोई अर्निंग अभी तक यूट्यूब और फेसबुक से आपको नहीं मिली? ना। देखिए दोस्तों, शाइमा और शहरुना को आप सपोर्ट करें ताकि इनकी अर्निंग आनी शुरू हो जाए। बच्चों का गुजारा करते हैं, पत्नी क्या क्या और क्या काम करते हैं अंकल इसके अलावा? खेती बाड़ी कर लेते हैं, चिड़ाई भी करते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये मेव टैलेंट प्रोग्राम में मतलब इन्हें क्यों दिखा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, मेव टैलेंट प्रोग्राम का मकसद ये है, या तो कोई ऐसा परिवार, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कुछ, जिसने कुछ अपने दम पर कर दिखाया है, या फिर कुछ बच्चे, कुछ नौजवान ऐसे होने चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं, ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ करने की इरादे रखते हैं। तो ये वो परिवार है जो कुछ करने की इरादे रखता है। देखिए सामने स्क्रीन पर ये बुजुर्ग आदमी है, ये बेचारा कटिंग कर रहा है, मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन इनके 7 बच्चे हैं, 4 बहन हैं और 3 इनके ब्रदर हैं, यानी टोटल 7 बच्चे हैं, और 7ों के 7ों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 7ों जो बहन भाई है वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को पूरी तवज्जो दे रहे हैं अंकल और आंटी। इसलिए उम्मीद है कि ये दोनों बहन जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बेचारी कोर्स वगैरह कर रही है, इनके भाई भी कर रहे हैं, और 2 बहन अंदर है छोटी छोटी, वो भी पढ़ाई कर रही है। तो ऐसे मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई और बिजनेस नहीं है, कोई और दूसरा रोजगार नहीं है, छोटा मोटा काम करते हैं, उससे 7 बच्चे पालने बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन हिम्मत है अंकल की, मैं तो दाद देता हूँ उनके लिए कि 7 बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
तो शाइमा बहन अभी आपका मतलब क्या कंटेंट आने वाला, कुछ और नया कर रहे हो आप? हमारा गाना आएगा एक बहुत अच्छा। गाने को तो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन भाई वो पढ़ाई के ऊपर है ना, तो शिक्षा को लेकर, शिक्षा के ऊपर बनाते हैं, हम ऊटपटांग गाने नहीं बनाते। एक कदम आगे आ जा और शाइमा से दो बोल हम सुन ही लेते हैं, पहले भी इसने सुनाया था, सुना दो कुछ आप। पहाड़ों की नगरी में एक बालिका पुकारे, एक कभी ना छूटे अभियान चलावे। ए लड़कियां खूब पढ़े, सबसे आगे बढ़े, शिक्षाया चल में, हाँ चल में। पहाड़ों की नगरी में एक बालिका पुकारे। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।